दोस्तों वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। इस वीडियो में मैं एक सीक्रेट जगह अनकवर करने जा रहा हूं दोस्तों, एक ऐसी जगह जो आई थिंक अभी तक किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया। एक अनएक्सप्लोर्ड व्यू पॉइंट है जौहर हिल स्टेशन का, लेकिन दोस्तों वहां से जो व्यू मिलता है ना वो बहुत अच्छा है, वर्थ है वहाँ पर जाना। और इस जगह के बारे में ना थोड़ी और इन्फॉर्मेशन भी आपको दूंगा कि एग्जैक्टली ये जगह क्या है और वहाँ से क्या व्यू मिलता है। ये जो व्यू मैंने देखा ना, थोड़ा थक गया हूँ क्योंकि पिछले वीडियो में आपने देखा जयसागर डैम को नज़दीक से देखने के लिए हमने कितने स्टेप्स नीचे उतरे जो काफ़ी स्टीप थे। वो फिर से चढ़ के ऊपर की तरफ आया हूँ और जयसागर डैम के पास ही ये लोकेशन है, ये जो सीक्रेट लोकेशन है ना ये वहीं पे है। जब ये वैली व्यू मैंने देखा था ना, मनाली की याद आ गई थी, इतना खूबसूरत है। कुछ और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मैंने पहले कभी ऐसा देखा नहीं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ होता है जिसके बारे में मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों, सीक्रेट लोकेशन एट जवाहर हिल स्टेशन, लेट्स गो फॉर इट। ये जो पीछे आप देख रहे हो ना, ये जयसागर डैम है, पिछले वीडियो में हमने देखा था। अभी हम आगे की तरफ या शायद हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, उस लोकेशन की तरफ जहाँ से एक ज़बरदस्त वैली व्यू मिलता है। उस वैली व्यू का नाम क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, और वैली व्यू भी बताऊंगा जो बहुत खूबसूरत है। लेकिन लोकेशन देखो दोस्तों, वहाँ जयसागर डैम, वहाँ पे वो जो पिकनिक स्पॉट जहाँ पे आप बहुत इंजॉय कर सकते हो जो आपने लास्ट वीडियो में देखा, और ये देखो, ये देख रहे हो, मतलब अगर आपको फोटोग्राफ्स निकालना है ना तो ये जो जयसागर डैम वाले आसपास की जगह का लोकेशन है ना, काफ़ी सेफ है और काफ़ी मस्त है, ज़बरदस्त है। हम नीचे की तरफ जाते हैं और ये जो सैंडल है ना वो बहुत शोर कर रहा है। यहाँ का रास्ता हल्का सा स्लिपरी है और पथरीला है, थोड़ा सा सेफ रहने की ज़रूरत है, बाकी ठीक है। ओहो, तो दोस्तों फ़िलहाल हम पहुंच गए समता नर्सरी जवाहर। यहाँ से जो वैली व्यू आपको देखने के लिए मिलता है ना वो बहुत ही मस्त है। लेकिन दोस्तों ये समता नर्सरी के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ इंटरेस्टिंग। ये जो आप सारे सैपलिंग्स देख रहे हो ना, या फिर क्या बोलेंगे इसको, छोटे छोटे पौधे या फिर जो भी है, ये सारी चीज़ें ये लोग यहाँ पर आपको फ्री में देते हैं कि आप यहाँ से लेके जाओ, आपसे एक रुपया भी नहीं लिया जाता। ये पूरा जो आप देख रहे हो ना, पूरा आप लाइन से देखोगे कि बहुत सारे झाड़ है, बहुत सारी अलग अलग वेराइटी की नर्सरीज है यहाँ पे, बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज़ के छोटे छोटे पौधे हैं, और ये आप घर पे ले जा सकते हो फ्री में। आपको कहीं पे लगाना है, कहीं पे प्लांट करना है तो फ्री में कर सकते हो। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लगा मेरे को। यहाँ पर भी आप देखो ना, यहाँ पर देखो नाम के साथ लिखा हुआ है कि कौन सा पौधा है, ये आम्बाड़ा, ये देखिए। कोई अगर नर्सरी का शौकीन है ना तो उसके लिए ये जगह तो जन्नत है, बहुत ही खूबसूरत है। ये जगह मिसबा को बहुत पसंद आएगी क्योंकि उसको पेड़ पौधे बहुत पसंद आते हैं, तो अगर मिसबा होती मेरे साथ तो यहाँ पे उसको बहुत मज़ा आता। लेकिन दोस्तों ये देखिए, पूरे क्या बोलेंगे इसको, छोटे छोटे पौधे, और यहाँ पर ना पूरा लिखा हुआ है कि कौन कौन से पौधे हैं यहाँ पर। और ये हमने नर्सरी में एंट्री मारी, पीपल, ओहो बहुत ज़बरदस्त है। तो ये है वो नर्सरी वाली बात जो मैं आपको बताना चाहता था। इसके अलावा जो वैली व्यू मैं आपको बताना चाहता था ना वो देखते हैं। वहाँ पे लिखा हुआ है वेलकम टू द अवाना वैली व्यू पॉइंट। ये वैली व्यू देख के ना मेरे को कहीं ना कहीं मनाली की याद आ गई। ये बहुत सारे पौधे हैं, हम इस तरफ जाते हैं और ये वेलकम टू द अवाना वैली व्यू पॉइंट, और ये है वो वैली। ये जो आपको पानी की आवाज़ आ रही है ना यहाँ पे, ये वही जयसागर डैम का पानी है जो हमने लास्ट वीडियो में एक्सप्लोर किया, पूरा बहता हुआ यहाँ पे आ रहा है। तो ये जो आवाज़ आ रही है ना, मस्त मज़ा आ रहा है। और ये पूरा देखिए, ये पूरा वैली व्यू है। यहाँ से जो वैली व्यू मिलता है ना काफ़ी डीप है और काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा वैली व्यू ना मुझे याद है, मैंने तब देखा था जब मैं जा रहा था मनाली से कसोल, वहाँ पे जो पार्वती वैली है ना, अगर बर्फ़ हटा दो तो काफ़ी सिमिलर है, वहाँ पे बर्फ़ रहती है, बर्फ़ हटा दो तो काफ़ी सिमिलर है। डेंस फॉरेस्ट, डीप वैली,
और बीच में ना आपको वहाँ पे वो साइड पे थे घर भी दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे ये वैली में नहीं दिख रहे, ये पूरा डेंस फॉरेस्ट और ये वैली। यहाँ नीचे की तरफ आप देखोगे तो वो पूरा पानी आपको बहता हुआ दिखेगा, उसकी आवाज़ आएगी और उसके साथ ये वैली व्यू। दोस्तों एक और मैं लोकेशन बताना चाहता हूँ आपको, जो अगर आप सही टाइम पे आओ ना तो एक्सप्लोर कर सकते हो, और वो जगह है ये जो आप देख रहे हो ना, मैं बताता हूँ, थोड़ा नज़दीक ले जाता हूँ, ये देखो ये जो छोटा झोपड़ी जैसा बना हुआ है ना, आप वहाँ पे बैठ सकते हो, लेकिन सिर्फ एक इशू है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिखा है कि ये समता फाउंडेशन का जो है प्राइवेट प्रॉपर्टी है, अभी यहाँ पे ताला लगा हुआ है, ये देखो दरवाज़ा बंद है, लेकिन दोस्तों मैं जब 15-20 मिनट पहले आया था ना यहाँ पे, तो ये दरवाज़ा चालू था, और मैंने जब उनको बोला ना कि प्लीज़ मैं वहाँ पे बैठ सकता हूँ, तो मैं आराम से 10 मिनट वहाँ पे बैठा था, उन्होंने बोला बिंदास बैठ सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, बस सिर्फ एक बार बोल दिया करना कि आपको यहाँ पे बैठना है, बस बिना बोले वहाँ पे मत चले जाना, वहाँ पे बस बोलना कि हम वहाँ पे है, आप वहाँ पे आराम से बैठ सकते हो और जितनी देर चाहे उतनी देर बैठ सकते हो। अगर आप सही टाइम पे आए तो वो जगह भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अभी फ़िलहाल यहाँ पे मुझे कोई नहीं दिख रहा है कि मैं परमिशन लूँ और आपको वो जगह और नज़दीक से दिखाऊँ, अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी नहीं है। जब मैं 15-20 मिनट या आधे घंटे पहले आया था तो यहाँ पे कोई राजेश भाई करके था जिन्होंने मुझे अंदर बैठने की परमिशन दी, वहाँ पे बैठे बैठे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, मज़ा आ गया था। सो दोस्तों ये था वो सीक्रेट लोकेशन जो मैं कवर करना चाहता था आपके साथ, आपको बताना चाहता था। ओहो मैं गिरते गिरते बचा, वहाँ से जाते थोड़ा मैं आपको नर्सरी भी दिखा देता हूँ, और नर्सरी देखते देखते हम वहाँ से फिर एग्ज़िट कर लेंगे। ये देखिए बहुत मस्त है यार। दोस्तों मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुका ना, तो यहाँ पे कुछ लोग जो यहाँ पे रहते हैं वो आए और उन्होंने मुझे परमिशन दिया कि मैं अंदर जा सकता हूँ और सिर्फ वो एक जगह एक्सप्लोर कर सकता हूँ और शूट कर सकता हूँ, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था इस वीडियो में। तो ये गेट जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का खुल चुका है और हम जा रहे हैं उस तरफ, लेकिन कुछ बात मैं आपको बताऊँगा, वो बात जान लेना उसके बाद ही यहाँ पर आना। ये है हम जा रहे उस तरफ, पहले मैं आपको जगह बता देता हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है, खूबसूरत है, अंदर से इस जगह को एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से वैसे नीचे भी जा सकते थे लेकिन वहाँ पे परमिशन नहीं है, वहाँ पे नहीं जा सकते अपन। यहाँ पे बहता पानी, ये वैली व्यू और ये वो जगह, क्या ज़बरदस्त है ना। ये यहाँ से हम गए हैं, ये देखो यहाँ से वैली और यहाँ पे बैठने का एक्सपीरियंस। दोस्तों यहाँ पे बैठने का एक्सपीरियंस और ये वैली व्यू देखने का एक्सपीरियंस अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये डॉगी क्यों मेरे पीछे पड़ा है, क्या हुआ भाई? हाँ एक इम्पॉर्टेंट बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्लीज़ जान लेना, यहाँ पर आने से पहले आप वो जो इससे पहले हमने कवर किया था अवाना वैली व्यू पॉइंट, वहाँ पे तो बिंदास जा सकते हो, कोई इशू नहीं है, लेकिन यहाँ पे अगर इस लोकेशन पे आप आते हो ना, यहाँ पे जहाँ पे अभी मैं फ़िलहाल बैठा हूँ, वो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, बिना परमिशन के आप जाके बैठ जाओ ऐसा नहीं चलेगा। वहाँ पे जो भी लोग रहेंगे उनसे सिर्फ एक परमिशन लो, सिर्फ उनको बोलो कि मेरे को यहाँ पे थोड़ी देर बैठना है, वो लोग हाँ बोल देंगे, वो लोग मना नहीं करेंगे, लेकिन बिना परमिशन के आप यहाँ पे आके बिंदास बैठ के फ़ोटो वोटो निकाल रहे हो, वीडियो वीडियो निकाल रहे हो, वो नहीं चलेगा। तो बस सिर्फ इस चीज़ का ध्यान ले रखना कि यहाँ पे आओ, परमिशन लो और बैठ जाओ और ये ऑसम वैली व्यू को एक्सप्लोर करो। ये देखिए ज़्यादा नहीं दोस्तों, 10 मिनट स्पेंड करो, 15 मिनट स्पेंड करो, लेकिन ये जो लोकेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताया ना, उसे एक्सप्लोर करना ज़रूर, छोड़ मत देना। जयसागर डैम भी अपने आप में एक बहुत ही फोटोग्राफिकल जगह है, जहाँ पे अगर आप फोटोग्राफी के शौकीन हो ना तो यहाँ पे आके बहुत सारे फोटोग्राफ्स निकाल सकते हो। सो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मुझे आपको बताना था ये जो लोकेशंस जो शायद किसी ने कवर नहीं किया, शायद किसी ने एक्सप्लोर नहीं किया, मैं करना चाहता था, मैं आपको बताना चाहता था। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।
यहाँ पे आके ना सच में मज़ा आ गया। एक बार वैली व्यू आपको बता देता हूँ और फिर यहाँ से निकलता हूँ। ये देखिए, ये लोकेशन ही देखो क्या ज़बरदस्त है, और ये पूरा वैली व्यू, वहाँ से पानी की आवाज़ आपको आ रही होगी।